हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए हरियाणा जुडिशरी के विषय में हम लोग बात करेंगे। हरियाणा जुडिशरी के संबंध में हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, हरियाणा जुडिशरी का सिलेबस क्या है। दूसरा, हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा जुडिशरी की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। इन दो मुद्दों पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हरियाणा जुडिशरी का ये गजट है, इसी में आपका पूरा सिलेबस बताया गया है। अब आपको जो पढ़ाई करना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या सिलेबस में। देखिए, सिलेबस आपका यहां पर बताया गया है। हाँ, ये देखिए सिलेबस आपका ये बताया गया है। ये आपको ये बताना चाहिए कि हरियाणा जुडिशरी में तीन स्टेज होते हैं। आपको क्वालिफाई करना होगा, तीन स्टेज से गुजरना होगा। कौन कौन से है ये देखिए बताया गया है। ये प्री है, मेंस है एंड इंटरव्यू। ये तीन स्टेज से आपको गुजरना होगा। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और पता होना चाहिए आपको कि जितने स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे उसके 10 गुना लोग कहां लिए जाएंगे, मेंस में लिए जाएंगे। देखिए यहां पे कहा गया है विज्ञापित पदों के 10 गुना से अधिक। देखिए ये लाइन आप देखिए, विज्ञापित पदों के 10 गुना से अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में देखिए उपस्थित होने के लिए योग्यता के अनुसार सूची में रखा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये 500 अंकों का होगा, 500 नंबर का आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी। ये देखिए बताया गया है 500 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा, अर्थात आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका 4 नंबर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपका 500 अंकों का ये आपका पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम आपको 50 अंक लाना है, 150 अंक आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चाहिए है। देखिए लिखा गया है, उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में 500 अंकों में से कम 150 अंक प्राप्त नहीं करता है का चयन मुख्य परीक्षा की चयनित सूची में नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणाम के लिए नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। जो आपके प्री का सिलेबस है वो क्या होगा, आपके प्री का सिलेबस वही होगा जो मेंस में है। ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा जुडिशरी में मेंस का पेपर है उसके 3 पेपर शुरुआत के वही पेपर आपके प्री के रहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा 6 पेपरों में होगी। ध्यान रखिएगा, यह मेंस का बताया जा रहा है, अभी मैं प्री का बता रहा हूं, ये मेंस का है पूरा। ठीक है, कि मेंस जो होगा कितने होगा, 6 पेपर, मतलब ये 5 लिखित पेपर होगा और एक इन्होंने जोड़ दिया है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा मतलब ये इंटरव्यू को कह रहे हैं, ये जो मौखिक परीक्षा इन्होंने बात किया ये किसके लिए कह रहे हैं, ये इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं। तो पेपर की किस्म कैसी होगी, ये इस तरह होगी, सिविल लॉ 1st, 2nd, क्रिमिनल लॉ, अंग्रेजी, भाषा, मौखिक। ठीक है, ये 5 आपके क्या है, आपको रिटन में लिखना है। और जो 6वां पेपर इन्होंने बात किया मौखिक, ये क्या है आपका, ये आपका इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। अब जो देखिए, मैंने आपसे बात किया, पेपर 1st आप ले लीजिए, पेपर 2nd ले लीजिए, पेपर 3rd ले लीजिए, ये 3 पेपर आपके क्या है, ये प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से। यही 3 पेपर आपका मेंस में भी होगा, यही 3 पेपर आपका प्री में भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या आपको पढ़ना है वो प्री में, ये समझिए, सीपीसी, पंजाब न्यायालय अधिनियम, भारतीय संविधान अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, विनिर्देश अनुदोष अधिनियम, एसआरए जिसको हम कहते हैं, हरियाणा नगरी अधिनियम तथा एविडेंस को आपको 1st पेपर में पढ़ना है। ठीक है, जो है सिविल लॉ 1st के नाम से। सिविल लॉ 2nd में आपको क्या पढ़ना है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ना है, कस्टमरी लॉ पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन, कस्टमरी लॉ, रजिस्ट्रेशन तथा लिमिटेशन लॉ को आपको पढ़ना है, ये 2nd पेपर है।
तो हो गया फर्स्ट और सेकेंड। लास्ट पेपर आपको पढ़ना है क्रिमिनल लॉ, इसमें आपको आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप दो जगह एविडेंस यहां भी है, एविडेंस यहां भी है, मतलब पूरा टोटल मिला के आपको एविडेंस पढ़ना है, क्लियर। तो ये तीन पेपर आपके क्या होंगे इस हरियाणा जुडिशरी में आपसे पूछे जाएंगे। ये मेंस के हैं, आप समझिएगा बात को, ये पूरा मेंस का है, लेकिन इसी तीन पेपर में आपका प्री का भी क्वेश्चन बनेगा, यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे प्री में पूछे जाएंगे, ये तीन से, सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकेंड और क्रिमिनल लॉ से, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा मेंस की। इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि मेंस में कितने क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो फर्स्ट जो सिविल लॉ का है, जो आपने ये देखा पेपर, ये 200 नंबर का रहेगा। सिविल लॉ सेकेंड, ये भी 200 नंबर का रहेगा। क्रिमिनल लॉ आपका रहेगा 200 नंबर का रहेगा। इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, ध्यान रहे ये अब आपका कहां से शुरू है, यहां तक देखिए, ये जो आपका है ये प्री का है, ठीक है, यही चीज आपसे प्री में पूछी जाएगी। अब यहां से क्या शुरुआत हो रहा है, ये तीन तो है ही है मेंस में, यहां से भी अब मेंस का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश है, इंग्लिश कितनी है, 200 अंकों का इंग्लिश होगा। इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, प्रेसी होगा, शब्द तथा वाक्यांश होगा, बौद्धिक और शुद्ध करना होगा, ठीक है, ये इंग्लिश का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये भाषा लिखा गया, हिंदी आपको आनी चाहिए, देवनागरी लिपि में आनी चाहिए, एंड लास्ट है मौखिक, मौखिक मतलब इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मेंस के पेपर हमने बताए हैं अभी, पांच पेपर जो मेंस के बताए हैं, वो प्रत्येक पेपर कितने समय का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है, ये देखिए प्रत्येक पेपर ये 3 घंटे का होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान देने वाली बात एक और है कि यह जो मेंस का पेपर आप देंगे, जो भी पांच पेपर आपके मेंस के हैं, उस प्रत्येक पेपर में ध्यान दीजिएगा आपको 33% लाना अनिवार्य है, ठीक है, और 33% आप नहीं लाते हैं तो आप बाहर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा गया है, किसी भी उम्मीदवार को किसी लिखित पेपर में किसी अंक से तब तक आंकलित नहीं किया जाएगा जब तक वह उसमें कम से कम 33% अंक प्राप्त नहीं करता है। अर्थात फर्स्ट पेपर चेक तब होगा जब आपने 33% पास किया है, सेकंड पेपर तब होगा जब 33% आपने पास किया है, अर्थात प्रत्येक पेपर में आपको कितना लाना है, 33% लाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पूरा जो विज्ञप्ति थी, जो नोटिफिकेशन था आपका, जो गजट था, उसके विषय में हमने बात किया, क्या आपका सिलेबस होगा उसके विषय में हमने बात किया। अब रही बात एग्जाम की, कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो कब होगा, तो एग्जाम आपका ये मान के चलिए कि जो नोटिफिकेशन अब आएगा, जो फॉर्म भरने का आएगा, वो आपका दिसंबर माह में आ सकता है, अर्थात अगले माह में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिसंबर में आने की संभावना है कि आपका जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर तक आ जाए। अब बात करते हैं क्लास की। यदि आपको जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी हो, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहां तक बताई गई जो न्यूज है, यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।